आज नजर उन तीन कैचेस पर डालेंगे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की शक्ल ही बदल कर रख दी। ऐसे तीन जादुई कैच जिनकी वजह से भारतीय फील्डर्स को नई पहचान मिली। हमेशा कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, समय के साथ साथ ये बात हमेशा साबित भी होती रही। स्टीव वॉ की वो बात कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, तुमने कैच नहीं बल्कि मेट वर्ल्ड कप को अपने हाथ से छोड़ दिया। ये बात उन्होंने तब कही थी जब हर्षल गिब्स ने मिड विकेट पर एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया था। तो चलिए आज भारतीय क्रिकेट के उन तीन कैचेस पर नजर डालते हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। नंबर तीन, श्रीसंत वर्सेस पाकिस्तान 2007। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जोहान्सबर्ग में हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने गौतम गंभीर के 54 गेंद पर 75 रनों की बदौलत 157 रनों का स्कोर खड़ा किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल का विकेट जल्दी गवा दिया, लेकिन उसके बाद टीम ने अपनी पारी संभाली और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ी। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मिसबाउल हक पाकिस्तान को फाइनल मैच जिता देंगे। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी, हालांकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक विकेट हाथ में था। आखिरी तीन गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। मिसबाह ने एक स्कूप शॉट खेला और गेंद डीप फाइनल लेग पर गई, वहां खड़े श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया। उस कैच की वजह से भारत ने 2007 का टी20 विश्व कप अपने नाम किया था, वरना तस्वीर कुछ और ही होती। नंबर दो, युवराज सिंह बनाम दक्षिण अफ्रीका 2002। 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में हुआ था। भारत के कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने वीरेंद्र सहवाग के 59 रन और युवराज के 62 रनों की बदौलत 261 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय दक्षिण अफ्रीकी टीम 192 पर सिर्फ एक विकेट खोकर खेल रही थी और वो जीत के बेहद करीब थी। उसको जीतने के लिए 71 गेंदों पर 68 रनों की दरकार थी और उसके पास अभी भी 9 विकेट हाथ में थी। हालांकि लक उस समय भारत के साथ था, गिब्स रिटायर हर्ट हो गए। मैच का पासा तब पलटा जब हरभजन की गेंद पर जॉन्टी रॉड्स ने गेंद को स्वीप किया, लेकिन वो उसे टाइम नहीं कर पाए और युवराज ने डाइव करते हुए शानदार कैच पकड़ा और टीम की उम्मीद को मैच में जीवित रखा। उसके बाद मैच में ऐसा ट्विस्ट आया कि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गवा दी और अंत में वो सिर्फ 6 विकेट पर 251 रन ही बना सकी और इंडिया ने बाद में जाकर श्रीलंका के साथ ट्रॉफी को जीता, क्योंकि दोनों टीमों के बीच होने वाला फाइनल बारिश में धुल गया। और नंबर एक, कपिल देव बनाम वेस्ट इंडीज 1983। 1983 में वर्ल्ड कप ने भारत के क्रिकेट की दशा और दिशा बदल कर रख दी। कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट के अंडरडॉग थी और जब वो फाइनल में पहुंचे तो सब काफी हैरान थे। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 184 रन का लक्ष्य रखा। भारत के लिए मदन लाल और बलविंदर सिंधु ने शानदार शुरुआत की और गार्डन ग्रेनेज को 1 रन पर और डेसमंड हैंस को 13 रन पर आउट कर दिया। हालांकि विव रिचर्ड उस समय 33 रन बनाकर खेल रहे थे जिसमें 7 चौके शामिल थे और वो कभी भी मैच को पलट सकते थे। भारत को अगर ये मैच जीतना था तो उसे कुछ अलग करने की जरूरत थी। कप्तान कपिल देव ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई और विव रिचर्ड का एक शानदार कैच पकड़कर उन्हें आउट कर दिया। कपिल देव मिड विकेट पर खड़े थे और उन्होंने पीछे जाते हुए एक शानदार कैच पकड़ा और उसके बाद भारत के क्रिकेट का मानो चेहरा ही बदल गया। ऐसे में तीन कैच हमेशा याद रहे। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।